अगर आप कुछ भी खाते हो एनीथिंग, कोई भी रेफर नहीं फेंकेगा। गोविंद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है ये, तो यहाँ पे म्यूजिक बॉनफायर और ये कचरा वचरा नॉट अलाउड। केदार कंठा का ट्रेक शुरू होता है संकरी गांव से। यहां से हम गोविंद नेशनल पार्क की गहराइयों में एंटर करते हैं। घने पाइन ट्रीज से भरा ये जंगल, इसकी खुशबू आपको अलग ही दुनिया में ले जाती है। लंच करने के बाद हम फ्रोजन ज्वेल कहे जाने वाले जुड़ा का तालाब की ओर चल पड़े। माना जाता है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ यहाँ साधना करने आए थे, और जब उन्होंने अपनी जटाओं को खोला तो वहाँ से पानी टपकने लगा और एक विशाल झील का निर्माण हुआ। गुफी, हे, हे, ऐसे नज़ारों का आनंद लेते हुए हमने केदारकंठा बेस कैंप की ओर हमारी चढ़ाई जारी रखी। कुदरत के इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हमने पहले ही दिन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया। रात के 1 बजे अचानक अलार्म बजता है, क्योंकि 2 बजे से हमें समिट पुश के लिए निकलना था। टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन कोई भी चीज हमारे मनोबल को हिला नहीं सकती थी। समिट तक का रास्ता काफी मुश्किल भरा है, लेकिन जैसे ही यमुनोत्री, गंगोत्री और किन्नर कैलाश के पहाड़ों से छनी हुई सूरज की किरणें धीरे धीरे निकलती है, वो हमारे थके हुए दिल को फिर से जिंदा कर देती है। जीवन का सबसे प्यारा सनराइज था। मानो सूर्य अपनी किरणों से पूरे आसमान को रंग देता है। जो हमारे सामने था वो कल्पना से बिल्कुल ही परे था। 12,500 मीटर की ऊंचाई पे है केदारकंठा पीक। उन ऊंचाइयों से बर्फ की चादर ओढ़े हुए हिमालयन पीक जैसे बंदरपूंछ, स्वर्गारोहिणी, कालानाग, रंगलाना एक पल के लिए मानो आपसे आपकी सांसें ही छीन लेती है। तकरीबन 1.5 घंटे पीक पे बिताने के बाद आखिरकार वो वक्त आ चुका था जब हमें कुदरत के इस चमत्कार को अलविदा कहना था। हम जा रहे थे, लेकिन साथ में बहुत यादें भी ले जा रहे थे। कहते हैं ना, माउंटेन्स देमसेल्स विस्पर देयर सीक्रेट्स। वो हमें प्रकृति की शक्ति और उसकी सुंदरता की याद दिलाते हैं। और याद रखें, पहाड़ बुला रहे हैं और हमें जल्द ही उत्तर भी देना है। तब तक के लिए अलविदा।